आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइज, इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ क्विक इजी मेकअप ट्यूटोरियल, जो कि आप फॉलो कर सकते हो जब भी आप ट्रिप पे होते हो। आपके पास बहुत ही कम टाइम होता है गाइज, ट्रस्ट मी, बहुत ही कम टाइम होता है, क्योंकि अभी मैं ट्रिप से होके आई हूँ तो मेकअप के लिए तो बहुत ही कम टाइम बचता है, और स्पेशली अगर आपके साथ बेबी और आपका हस्बैंड हो तब तो बहुत ही कम टाइम बचता है। तो इस मेकअप ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही कम टाइम में कैसे मेकअप करो कि आप प्रेजेंटेबल भी लगो और आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पाए। और साथ ही साथ मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट्स का यूज़ किया है, इवन मैंने ना ही इसमें फाउंडेशन यूज़ किया है ना कंसीलर यूज़ किया है, जस्ट बहुत ही कम प्रोडक्ट्स का यूज़ करके ये वाला मेकअप लुक क्रिएट किया है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिससे कि ज़्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए। एंड या चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, तो स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो के थ्रू आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको ट्रिप पे क्या क्या चीज़ें मेकअप प्रोडक्ट्स में लेके जानी चाहिए। सबसे पहले तो आपको आपका फेवरेट फेस वॉश ज़रूर लेके जाना चाहिए, क्लिंजर, फेस वॉश, जो भी आप यूज़ करते हो जिसके थ्रू आप अपने फेस को वॉश कर सको। नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए एक मॉइस्चराइज़र आपके स्किन टाइप के हिसाब से। अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई है तो आप ऑयली बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, आपकी स्किन ऑयली है तो जेल बेस्ड। मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है जहाँ पे थोड़ा सा विंटर प्लेस होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ किया है। दिस इज़ फ्रॉम सेटाफिल का डेली एडवांस अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन, क्योंकि मुझे अल्ट्रा हाइड्रेशन चाहिए थी उस प्लेस पे, क्योंकि मेरी स्किन बहुत पैची हो जाती है जब भी ड्राई होती है, और उस पर मेकअप बहुत ही गंदा लगता है जब भी आपका स्किन पैची हो। तो अच्छे से आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, अच्छे से मसाज करना है, पूरे मेक श्योर करना है कि पूरे फेस पे आपका मॉइस्चराइजर सेट हो जाए और उसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो मैं यहीं पे यहाँ पे सर्कुलर मोशन पे अपने फेस को मसाज कर रही हूँ, अपने नेक पे भी अप्लाई कर रही हूँ। इससे आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी मिलेगा ऑन द ट्रिप। आप थोड़ा सा ना स्ट्रेस हो जाता है आपको जब आप ट्रैवल करते हो, कितना भी अच्छी जगह जाओ तो इससे आपको थोड़ा सा रिलैक्स भी मिल जाएगा इस तरह से मसाज करने के बाद। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बनाना पाउडर। आप कोई भी लूज पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर, जो भी आपके लिए अफोर्डेबल हो, जो भी आपको नो मिले आपके पास हो, और मेक श्योर कि आप ये वाला बनाना पाउडर भी ज़रूर ट्राई करें एक बार, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में है। और ये वीटेस्ट टोन या फिर थोड़ा सा डार्कर टोन के जो लोग हैं उनके लिए बेस्ट है। ये आपको ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा, साथ ही साथ आपके स्किन पे सेट होने के बाद ये ऐसा लगेगा कि आपने कोई भी यू नो फेस क्रीम, बीबी क्रीम इस तरीके का लगाया हुआ है कुछ, और शेयर टू मीडियम कवरेज देता है, फुल कवरेज नहीं देगा। आपको थोड़े से अपने डार्क स्पॉट्स ये सब दिखेंगे, बट आपको लगेगा कि ना नो मेकअप मेकअप लुक इस टाइप का इफेक्ट आपको देता है। और आपको इसको अप्लाई करना है डैब करते करते। आपको कोई भी ब्रश लेना है, पाउडर ब्रश, फेस ब्रश, जो भी हो आपके पास, या फिर आपका ब्यूटी ब्लेंडर भी आपके पास अवेलेबल हो, उसको वेट करके उससे अप्लाई करो। बहुत अच्छे से इसको डैब डैब करके अप्लाई करना है, जिससे कि आपके स्किन में थोड़ा सा सेट हो जाए। और मेक श्योर करना है कि आपने जो भी मॉइस्चराइजर लगाया है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब ना हो, उससे पहले ही आपको ये वाला पाउडर, ये वाला स्टेप फॉलो करना है। इससे क्या होगा, आपका जो पाउडर है ना वो स्टिक हो जाएगा और एक बीबी क्रीम वाला इफेक्ट देगा, यानी कि क्रीम और पाउडर दोनों मिक्स हो जाएगा तो वो अच्छे से सेट हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाना है इस वाले स्टेप को, क्योंकि ये पाउडर है और अगर आप मॉइस्चराइज़ किए रहोगे अपने स्किन को तो ही सेट होगा आपके फेस पे ये पाउडर। अगर आपका ऑयली बेस है, मतलब आपका फेस ऑयली है, तब तो आपके लिए बेस्ट होगा, बट अगर आपका स्किन थोड़ा सा भी ड्राई होता है ना तो आप ये वाला अगर प्रोसेस बिना मॉइस्चराइज़र के करोगे तो आपका स्किन पैची हो जाएगा। सो मेक श्योर आप अच्छे से मॉइस्चराइज़ करो अपने फेस को। सो गाइज, मैं कोई भी मेकअप एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैंने भी अपना ट्राई कर करके अपने फेस पे सीखा है। सो आप जैसे जैसे आप ट्राई करते हो ना डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपके ऊपर वर्क करता है, कौन सा नहीं करता है। सो मेक श्योर आप एक बार अपने ऊपर ट्राई ज़रूर करो ये सारी चीज़ें ना, तभी आपको पता चल पाएगा। सो अब हम करेंगे अपना आईब्रोज। आईब्रोज मस्ट है, आप कोई भी मेकअप नहीं भी करते हो ना, नेचुरल ही आप थोड़ा सा अपना आईब्रोज फिल कर लो, लिपस्टिक लगा लो अगर आपकी स्किन बहुत अच्छी मतलब अच्छे कंडीशन में, आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कॉम्पैक्ट लगा लो। मॉइस्चराइजर तो मस्ट है, जो भी मैं स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ वो मस्ट होता ही है। स्किन केयर तो आपको करना ही करना है, आपकी स्किन कैसी भी हो। सो ये जो स्टेप्स हैं ना वो मस्ट हैं। ट्रिप पे आप फॉलो कर सकते हो इसको, ऑफिस में फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ऑफिस में भी आपको ज़्यादा मेकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना मेकअप यू नो हैवी मेकअप तो आपको करना नहीं है अगर आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, बट आपको प्रेजेंटेबल भी लगना है। घर पे भी, इवन अगर आप हाउसवाइफ हो या फिर कहीं पे भी आप छोटे मोटे इवेंट्स में जा रहे हो या फिर आप मार्केट जा रहे हो, तो इस तरह का मेकअप आप ज़रूर फॉलो करना गाइस, बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। आप देख सकते हो मेरे जब आईब्रोज फिल हो रहे हैं कितने अच्छे से यू नो स्ट्रक्चर बन जाता है आपको आपके फेस का। सो आईब्रोज आप ज़रूर फिल करना।
जो आईब्रोज मैंने फिल नहीं किया वो एकदम फ्लैट लग रहा है, जो आईब्रोज मैंने फिल किया उसको स्ट्रक्चर मिल गया है, तो इससे आपके ना फेस जो है वो एक तरीके से डिफाइन हो जाता है गाइस। सो यहाँ पे मेरा आईब्रोज जो है फिल हो गया है, अब मैं इसको ब्रश कर लूँगी। आपके पास जो भी अफोर्डेबल रेंज में आईब्रो फिलर है, आईब्रो पेंसिल है, वो आप यूज़ कर सकते हो। मैं 2-3-4 प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप जाके बिगनर लेवल पे हो तो आप ज़रूर चेकआउट करना, आप परचेज़ करना, ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मैं आपको रिकमेंड करूँगी। यहाँ पे मैंने आर्क अराइवल यूज़ किया है। एंड नेक्स्ट चीज़ है आपका मस्कारा। अगर आप काजल पर्सन हो तो आप काजल के लिए जा सकते हो, मैं मस्कारा पर्सन हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे मस्कारा ज़्यादा पसंद है, काजल मुझे उतना पसंद नहीं है। मैं बहुत कम ही अप्लाई करती हूँ, जब मैं हैवी मेकअप करती हूँ तो ही मैं काजल अप्लाई करती हूँ। अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आप ट्रिप में हो, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी जहाँ पे हो, दिन भर आपको टहलना हो, वहाँ पे आप काजल अप्लाई नहीं करो, क्योंकि कितना भी स्मज प्रूफ काजल हो ना, वो आपका फैल जाता ही जाता है, और एक बार काजल फैल गया ना तो आपका पूरा फेस ख़राब हो जाता है, और एक ग्रेनेस ब्लैकनेस ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। तो मुझे काजल की जगह मस्कारा बहुत पसंद है। मैं 3-4 कोट अच्छे से अप्लाई करती हूँ मस्कारा, जिससे कि मेरी ना आईज जो हैं वो थोड़ी सी बड़ी बड़ी लगे, अवेकन लगे, खुली खुली लगे, तो मैं मस्कारा ज़रूर अप्लाई करती हूँ। मेरा फेवरेट मस्कारा है ये वाला, या फिर लेस सेंसेशनल मस्कारा है एक, जो उसमें अच्छे से बॉन्ड होता है वो वाला। मैं 2-3 मस्कारा भी आपके लिए लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो मेक श्योर कि आपके पास एक अच्छा मस्कारा हो जो आपके आईज़ को अच्छे से डिफाइन कर पाए। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आई लाइनर। ये कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप चाहो तो आईलाइनर लगा सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो आईलाइनर लगाने के लिए। एंड मेक श्योर कि अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो तो आप स्टार्ट करो एक स्केच आईलाइनर से, ये इस पे ना आपका कंट्रोल होता है, आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बिगनर भी हो तो आप ड्रॉ करो अच्छे से, आपको कोई विंग वगैरह ड्रॉ नहीं करनी है, जस्ट ड्रॉ करना है लाइन आपके अपर जो लैसेस हैं उसके ऊपर से आपको ड्रॉ करना है। जस्ट 2-4 बार हिट एंड ट्राई करो, आपको आ जाएगा, बहुत इजी होता है आईलाइनर लगाना। और आईलाइनर लगाने के बाद ना आईज़ आपकी एक अलग ही लुक, आपको आपने कुछ भी मेकअप नहीं किया ना, आईज़ अगर आपने अच्छे से ड्रॉ कर ली है, ट्रस्ट मी गाइस, आपका ऐसा लुक लगेगा कि आपने बहुत अच्छे से मेकअप कर रखा है। यहाँ पे आपने देखा मैंने कुछ भी यहाँ पे आई शेडो अप्लाई नहीं किया अपने आईज़ में, जस्ट मैंने मस्कारा लगाया एंड लाइनर लगाया एंड आई एम डन विद माई आई मेकअप। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक का मैंने ये देखा है, अगर आपके पास बुलेट लिपस्टिक हो तो आप इस तरीके से हाथ में अपने थोड़ा सा अप्लाई करो, उसको डैब डैब करके अपने लिप से अप्लाई करो ना, तो एक नेचुरल इफेक्ट जो आता है वो निकल के आता है। अगर आप डायरेक्टली आप बुलेट से अप्लाई करते हो ना, ढेर सारा प्रोडक्ट्स निकल जाता है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड अगर आपकी लिपस्टिक हो तो आप इस तरीके से डैब डैब करके ट्राई करो आपका लिपस्टिक लगाना, बहुत ही अच्छा सा इफेक्ट आएगा। और मेक श्योर कि आप लेयर करो अपनी लिपस्टिक को, 1-2 लिपस्टिक, जैसे कि आप न्यूड बनाना चाहते हो, आपके पास न्यूड कलर नहीं है बट आप डिफरेंट न्यूड बनाना चाहते हो, लाइक आपके पास एक ही पीची न्यूड है या फिर लाइट न्यूड है, ब्राउन न्यूड है, और आप उसको पिंक न्यूड बनाना चाहते हो, जैसे मुझे पिंक न्यूड चाहिए होता है अपने लिपस्टिक को, तो मैं क्या करती हूँ लाइट पिंक जो शेड होता है लिपस्टिक का उसको मैं डैब डैब करके अपने लिप्स पे लगाती हूँ। ये मैंने रेने फैब 5-in-1 लिपस्टिक यूज़ की है, इसमें 5 डिफरेंट कलर होते हैं, बट इसका जो एक ड्रॉबैक है, ये लिपस्टिक ना जल्दी जल्दी खुल जाती है, और डर भी लगता है कि एक लिपस्टिक अगर मतलब एक लिपस्टिक खोई तो सारे कलर चले जाएंगे। और मेक श्योर कि आप एक लिपस्टिक इसके साथ और लेके चलो, इससे आपका सही रहता है। एंड नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ ये गाइस, नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे ब्लश। ब्लश आप चाहो तो लिपस्टिक से भी, लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक है आप उससे भी अप्लाई कर सकते हो, उससे ही आप अपना आई शेडो भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे आई शेडो अप्लाई नहीं किया, अवॉइड किया है, क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है तो आई भी मतलब थोड़ी सी क्रीज करने लगती है, जब आपको दिन भर ट्रैवल करना होता है तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने एक ब्लश कैरी किया था, ब्लू हेवन का ये ब्लश है, छोटी सी कॉम्पैक्ट पैकेजिंग है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप अपने मेकअप पाउच में रख सकते हो ईजिली एंड अफोर्डेबल रेंज में भी है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं। और ये एकदम से नेचुरल इंडियन टोन पे बहुत अच्छे से आता है, एकदम ऑन द फेस इसका कलर नहीं है, पिगमेंटेड है, बट ये जब सेट होता है ना तो ये उड़ जाता है इसका कलर, तो आप अच्छे से इसको इस ब्लश को अप्लाई भी कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा शेयर होता है, थोड़ा सा शाइनी इफेक्ट भी देता है, तो आपको अलग से
हाइलाइटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं इसको अप्लाई करती हूँ, ये अच्छे से सेट हो जाता है मेरे फेस पे, एंड ये इंडियन टोन पे तो बहुत ही अच्छा लगता है गाइज। इसका पिंक शेड है, इसमें कई सारे शेड्स आपको मिल जाएंगे इस ब्लश में, बट मुझे इसका जो पिंक शेड है वो बहुत अच्छा लगता है। सो हमारा जो मेकअप है वो डन हो चुका है गाइज, बहुत ही कम प्रोडक्ट्स का यूज़ करके। अगर आप इतने भी प्रोडक्ट्स लेके जाते हो ना अपने ट्रिप में, तो आप अच्छे से एक मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ 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 लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर लो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल पे। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।